नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद के जोशीमठ में आई आपदा की हकीकत क्या है? क्या सच में जोशीमठ में भू धसाव हो रहा है? क्या सच में वहां के लोग इस आपदा से परेशान हैं या फिर ये रिपोर्ट महज झूठी है? आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपको बताएंगे जोशीमठ की सच्ची कहानी। देखिए जोशीमठ से न्यूज वर्ल्ड इंडिया की ये ग्राउंड रिपोर्ट। क्या देवभूमि पर आने वाली है प्रलय? क्या जोशीमठ धरती में धंसने वाला है? क्या पहाड़ों की गोद बन जाएगी कुदरत का कहर? ये और इन जैसे कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं उत्तराखंड के जोशीमठ को लेकर। क्या सच में जोशीमठ में हो रहा है भूधसा? क्या सच में जोशीमठ धरती में समा जाएगा? इन सब सवालों की हकीकत आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो जोशीमठ में। इस समय न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम जोशीमठ बाजार में पहुंच चुकी है और ये वो पूरा जोशीमठ शहर है जिसे कहा जा रहा है कि ये आपदा की जहद में है और किसी भी समय ये पूरा शहर यहाँ से हट सकता है। यानी कि पूरे शहर के कई ऐसे घर हैं, कुछ ऐसे होटल्स हैं, कुछ ऐसे सरकारी दफ्तर हैं जिनमें दरारें आ रही हैं और दरारें आने के साथ ही वहाँ रहना और प्रशासन की जो टीमें हैं उन्होंने उन चीज़ों को सील भी कर दिया और यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ से हटाकर किसी सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। इसी को जांचने के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ग्राउंड ज़ीरो जोशीमठ बाजार में पहुंची है और जोशीमठ बाजार में अब जाकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ये जांचेगी क्या सच में ऐसे घर मौजूद हैं जिनमें बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं और उन दरारों से पानी भी आ रहा है या फिर ये सभी मीडिया रिपोर्ट्स झूठी हैं। इसी के पड़ताल में न्यूज वर्ल्ड इंडिया अब जोशीमठ बाजार पहुँच चुका है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने जोशीमठ बाजार पहुँच कर बाजार का जायजा लेने के लिए कोशिश की और जैसे ही कुछ दूरी पर गए तो देखा कुछ मजदूर पीडब्ल्यूडी विभाग के निरीक्षण भवन से सामने बाहर निकल रहे हैं और भवन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। यानी कि जोशीमठ में आपदा की जो बात कही जा रही थी वो कुछ हद तक सामने आने लगी है। जोशीमठ बाजार में पहुंचते हुए हमने देखा कि ये सरकारी भवन पीडब्ल्यूडी विभाग का और निरीक्षण भवन है और इसके आसपास यानी कि जो पूरा भवन है उसमें कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी दरारें आपको नज़र आ रही होंगी और इन्हें दरारें नहीं कहा जा सकता, ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से ये भवन जो है कि नष्ट हो चुका है और किसी भी वक्त ये गिर सकता है। और यही वजह है कि प्रशासन की पूरी टीम ने इस भवन को पूरी तरीके से सील कर दिया है और प्रशासन की पूरी टीम यहाँ मुस्तैदी से नज़र भी आ रही है। हालांकि जो यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं वो ज़रूर भवन से अपनी सामग्री महत्वपूर्ण फाइलें बाहर निकालते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि इस भवन में बड़ी बड़ी दरारें हैं और ये दरारों को ये कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी हैं कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके अंदर से हाथ भी जा सकता है, यानी कि दीवार के अंदर आप हाथ डाल सकते हैं। इतनी बड़ी दरारें इस पूरे भवन में आ चुकी हैं और इसकी मुख्य वजह है कि इस तरफ से यानी कि जो मेरा दाहिना तरफ है और इस भवन का दाहिना तरफ है उस तरफ की जो दीवार है जो नीचे की फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं धस गई और इसी वजह से पूरी बिल्डिंग एक तरफ से झुक चुकी है। और यही कारण बताया जा रहा है कि जोशीमठ के कई ऐसे घर भी हैं, कई ऐसे सरकारी दफ्तर हैं, कई ऐसे होटल्स हैं जिनमें इस तरीके की दरारें देखने को मिल रही हैं और धसाव की जो स्थिति बताई जा रही थी जोशीमठ शहर में कि लगातार जो मलबे हैं उसमें मकान धस रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो हकीकत है वो शायद अब नज़र आने लगी। और यही वजह है कि जब जोशीमठ बाज़ार में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम पहुंची तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले जो सरकारी भवन है वही धसता हुआ नज़र आ रहा है और उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके का आकलन साइंटिस्ट लगा रहे थे शायद वो सच भी हो सकता है। हालांकि हम अन्य घरों में भी पहुंचेंगे, अन्य होटल्स में भी पहुंचेंगे और देखेंगे कि आखिरकार इस तरीके की स्थिति और किस किस जगह बनी हुई है। जोशीमठ बाजार में पहुंचकर ये तो समझ आ गया कि जोशीमठ में भूधसाव हो रहा है, पर क्या ये भूधसाव इतना ज्यादा है कि पूरा जोशीमठ इससे प्रभावित होगा? इसको जांचने के लिए हम थोड़ा और आगे पहुंचे तो हमने देखा कि प्रशासन द्वारा दो बड़े होटल मलारी माउंट व्यू को तोड़ा जा रहा है और साथ ही कई और होटलों को भी अनस्टेबल घोषित कर दिया गया है। जोशीमठ के शहर में हम पहुंच चुके हैं, ये वही शहर है जहां पर तमाम होटल्स हैं, दुकानें हैं और जो टूरिस्ट क्षेत्र में आते हैं वो यहीं रुकते हैं। लेकिन बड़ी समस्या ये है
कि इन होटलों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। आप देख सकते हैं मेरी दाईं तरफ भी होटल्स हैं और मेरी बाईं तरफ भी होटल हैं। हालांकि प्रशासन ने इस पूरे होटल्स को सील कर दिया है और ये कहा जा सकता है मैनुअल रूप से होटल्स को तोड़ने की तैयारी भी की जा रही है। हालांकि शुरुआती दौर में केवल दो ही ऐसे होटल्स बताए जा रहे थे जिनको तोड़ा जाएगा, लेकिन अब उसके आसपास के सभी होटल्स तोड़ने की तैयारी की जा रही है क्योंकि बड़ी बड़ी दरारें इन होटलों में भी नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं ये होटल्स की सीढ़ियां हैं जिस पर मैं चल रहा हूं, लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि इनमें जो दरारें हैं वो एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और ये जो होटल्स है ये दूसरा होटल है और जिस पर हम चल रहे हैं ये बल दूसरा होटल है। इनकी जो दीवारें थी वो एक साथ हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ स्थिति दूसरी बन चुकी है और यही वजह है कि लगातार प्रशासन, SDRF, तमाम वो लोग हैं जो यहाँ से रहने वाले तमाम लोगों को हटा रहे हैं, टूरिस्ट को इस स्थान से दूर कर रहे हैं और उसके साथ ही इस होटल को भी अब तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि तैयारियाँ पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और जो फोर्स मंगाई गई हैं जो इन होटलों को तोड़ेगी, यहाँ के उन मकानों को तोड़ेगी जिन मकानों में लोग रहते थे जहाँ बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी, और उसकी तैयारियाँ भी की जा रही हैं। हालांकि होटल बहुत बड़ा है, पहाड़ी क्षेत्र में इतने बड़े होटल होना कहीं ना कहीं यही एक बड़ी वजह भी है कि इन स्थानों पर पहाड़ों में इतने बड़े बड़े होटल होने की वजह से भी यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ की जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं। और मेरे पीछे, ठीक पीछे, ये मलारी इन वो होटल है जिसको लेकर सबसे पहले प्रशासन ने निर्देश दिए थे कि इन होटलों को मैनुअल रूप से तोड़ा जाएगा और उसकी तोड़ने की तैयारी भी की जा रही है। आप देख सकते हैं मैनुअल रूप से होटल को तोड़ा जा रहा है और इसके साथ ही यानी कि होटल मनारी के साथ जो दूसरा होटल है वो है होटल माउंट व्यू, जिसको तोड़ा जा रहा है। और आप देख सकते हैं होटल की जो छत है उसे मैनुअल रूप से तोड़ने के लिए आरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि जो उसकी छत है, जो उसकी छत को काटा जा रहा है आरी से, यानी कि मैनुअल रूप से धीरे धीरे दोनों ही होटलों को तोड़ा जाएगा। और इसको तोड़ने के बाद जो इनके साथ वाले होटल हैं इन होटलों को भी तोड़ा जाएगा क्योंकि इन होटलों में भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। लेकिन सवाल यही न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का, क्या इसकी वजह क्या है और आखिरकार यदि जोशीमठ शहर में ऐसी स्थिति बन रही है तो आसपास के अन्य क्षेत्रों में भी क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी? इसी सवाल के साथ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम जोशीमठ ग्राउंड जीरो पर तमाम चीजें देखने के लिए पहुंची थी। अब ये तो साफ हो गया था कि जोशीमठ में भूधसाव की घटना हो रही है, पर भूधसाव की वजह से लोगों को उनके घर को छोड़कर दूसरे स्थानों में रहना पड़ रहा है। ये हमने उन बंद घरों में जाकर देखा जिनमें बड़ी बड़ी दरारें थी और घर के अंदर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, घर आंगन सूने नजर आ रहे थे। जोशीमठ शहर के बीचों बीच हमने तलाशे वो घर जिन घरों में बड़ी बड़ी दरारें हैं और लगातार इतने सारे घर हमको मिले जिनमें कहा जा सकता है कि दरारें ज़रूर नज़र आ रही। कल तक छोटी दरारें थी, आज वो दरारें बढ़ गई हैं। ये भी वो एक ऐसे ही घर है जिसको प्रशासन की तरफ से खाली करा दिया है, रेड निशान इन घरों में लगा दिए हैं ताकि इस घर में वो लोग ना आए जो यहाँ रहते थे, उनको सुरक्षित स्थानों में भेजने का प्रयास और सुरक्षित स्थानों में प्रशासन की तरफ से पहुँचाया भी जा रहा है। आप देख सकते हैं ये उसी घर का प्रांगण है जिस घर में के बाहर पर वो लोग खेला करते होंगे, उनके बच्चे यहाँ घूमा करते होंगे, लेकिन स्थिति ये है कि भू धसाव के कारण उनका पूरा आंगन नीचे धरती की तरफ धंसता हुआ नज़र आ रहा है। ये उनके घर के अंदर की बाउंड्री है और ये कहा जा सकता है कि जो टाइल्स हैं वो तक टूट गई हैं, यानी कि टाइल्स के अंदर तक की स्थिति बेहद ख़राब है, लगातार ये धंसते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो धंसने के साथ ही जो स्थिति है वो साफ नज़र आ रही है कि धरती धंस रही है, इस वजह से जो मलबा है ऊपर का जो जो सीमेंट की इन्होंने ये वॉल बनाई होगी ये भी नीचे धंस रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतना ही नहीं बल्कि इससे साथ में एक घर और हमने आगे देखा था, हालांकि ये घर आगे से तो ठीक नज़र आया लेकिन जब हम इसके पीछे पहुँचे तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गहरा
ये घर में दरारें आ गई हैं और इससे साफ नजर आता है कि ये जो घर है ये भी किसी वक्त टूट सकता है। हालांकि इसकी दरारें इतनी ज़्यादा हैं कि इसमें पूरा हाथ, जो मेरा हाथ है वो भी पूरा नीचे तक घुस रहा है और ये धीरे धीरे यदि और बढ़ेगा तो मैं भी इसके नीचे जा सकता हूँ। इतनी स्थिति इस घर की हो चुकी है। ये कहा जा सकता है कि जोशीमठ शहर के कई ऐसे घर हैं जहाँ पर लोग रहते थे, उनको खाली करा दिया गया है और इन घरों को टिकाने के लिए प्रशासन की तरफ से कि जल्द ना टूटे, मैनुअल रूप से तोड़े जाए ताकि किसी और घर को नुकसान ना हो, ये प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि इस घर का लेंटर ना टूटे, एकदम से यहाँ मलबा इकट्ठा ना हो, लोग ना परेशान हो। हालांकि जो घर है खाली ज़रूर करा दिया गया है लेकिन इस घर में दरारें बहुत बड़ी हैं और ये केवल एक ही घर नहीं है बल्कि कई अन्य घर भी आपको यहाँ नज़र आएंगे। और जब मैं इस घर में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा है क्योंकि एक तरफ की जो ज़मीन है वो तो अंदर चली गई है लेकिन दूसरी तरफ का जो हिस्सा है वो अभी भी ऊपर है। ये दरारें इतनी ज़्यादा हैं कि इस घर में जो लोग रहते होंगे वो ज़रूर डरे होंगे और शायद यही वजह है कि अपने इस पुश्तैनी मकान को छोड़कर उन्हें जाना पड़ा और कई ऐसी चीज़ें उन्होंने इस घर में सजाई होंगी जो आप शायद वो नहीं देख पाएंगे क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी दरारें इस घर में है कि जिसका अंदेशा उनको नहीं था कि ऐसी स्थिति जोशीमठ में बनेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रशासन भी व्यवस्था कर रहा है कि ये घर मैनुअल रूप से तोड़े जाएँ, एकदम से ना तोड़े जाएँ, इसीलिए प्रशासन की तरफ से लेंटर को, जो इस घर का लेंटर है वो ना गिरे, उसके लिए इस तरीके के टेक लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही। लेकिन ये बात साफ हो चुकी है यानी कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर न्यूज़ वर इंडिया ने ये तो जाना कि जोशीमठ शहर खतरे के जैद में है लेकिन अभी भी कई ऐसे घर हैं जो सुरक्षित हैं लेकिन उन सुरक्षित घरों में भी ज़रूरत है उन लोगों को और सुरक्षित स्थान में पहुंचाने की क्योंकि जिस तरीके की स्थिति जोशीमठ शहर में बनी हुई है, जोशीमठ शहर के इन घरों में, होटल्स में बनी है, जितनी बड़ी बड़ी दरारें इन घरों में आई हुई है उससे ये अंदेशा तो लगाया जा सकता है कि यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि अब सरकार प्रशासन कि क्या व्यवस्था है उन लोगों के लिए जिन लोगों के यहाँ घर थे, जो बरसों से यहाँ रहते थे, यहाँ काम करते थे, यहाँ अपना रोज़गार करते थे और उसी से उनका जीवन चलता था, उनके लिए सरकार अब क्या करती है। हालांकि ये तय हो चुका है कि जोशीमठ शहर में जो दरारें हैं वो बेहद बड़ी बड़ी लोगों के घरों में आ रही हैं जिससे लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जोशीमठ के जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था वो था श्रृंगार क्षेत्र, जिस क्षेत्र को प्रशासन ने पूरी तरीके से अनस्टेबल घोषित कर दिया और वहाँ लोगों को रहने से भी मना कर दिया गया, यानी कि वो क्षेत्र जहाँ अब लोगों की आवाजाही भी बंद हो गई है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया श्रृंगार के क्षेत्र में पहुंचा जहाँ पर लोगों के बरसों पुराने घर अब बड़ी बड़ी खंडहर में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं श्रृंगार क्षेत्र में, ये वो क्षेत्र है जो जोशीमठ में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है और उसकी वजह ये है कि ये उस जगह पर आता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान जोशीमठ के अंदर हुआ है। आप देख सकते हैं इन जो घरों को है अनस्टेबल घोषित कर दिया गया है सरकार और प्रशासन की तरफ से और जो लोग हैं उनको यहाँ से विस्थापित कर दूसरे स्थान पर भेज दिया है। लेकिन बड़ी चीज़ यह है कि उन लोगों की जो दर्द है, उन लोगों की जो समस्या है वो तो शायद वही समझ पाएंगे क्योंकि उन्होंने जीवन भर अपने जमा पूंजी लगाकर इस घर को बनाया होगा, इसे सजाया होगा और उसके बाद उन्हें नहीं पता था कि आपदा में ऐसी स्थिति बन जाएगी। ना केवल ये घर बल्कि इस लाइन में यदि हम लगाएँ तो नीचे तक जितने घर हैं, जितने खेत हैं, उन सभी में इस तरीके की दरारें देखने को मिल रही हैं और इस स्थान को पूरी तरीके से प्रशासन ने खाली करा दिया है। लेकिन अभी भी वो लोग प्रशासन से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं केवल इसलिए कि शायद उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई बेहतर मुआवजा मिल सके। लेकिन अभी तक ये कहा जा सकता है कुछ लोगों को ज़रूर दिया गया है मुआवजा, लेकिन अभी भी कुछ लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं और ना केवल घर टूटे हैं बल्कि कई घरों की छतें भी टूट गई हैं। मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं कि किस तरीके से जो छत है वो टूट कर नीचे आ गई, यानी कि स्थितियाँ बेहद ख़राब हैं जोशीमठ क्षेत्र की और ऐसे में अब सरकार और प्रशासन को ज़रूरत है उन लोगों के सुध लेने की जो इससे प्रभावित हुए हैं और
उन लोगों को बेहतर, सुरक्षित और ऐसा स्थान दिया जाए ताकि वो लोग खुशी खुशी उस स्थानों पर रहने के लिए मजबूर हो जाएं। जोशीमठ के श्रृंगार क्षेत्र में हमें एक ऐसे साधु मिले जिनका आश्रम श्रृंगार क्षेत्र में ही है और वो बरसों से वहीं रहते थे, लेकिन इस आपदा में उनका आश्रम भी नहीं बच सका और उन्हें अपना आश्रम छोड़ना पड़ा। महाराज जी, कहाँ से आपको लाए हैं और कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? मैं तो, हमारा तो आश्रम ये नीचे ही है और काफी टूट गया है। क्या कह सकते हैं, ये था कि वो टूटने वाला है तो टीन सेट बनाया है, इसी में गाय ले आएगी और एक साइड में अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। अब ये लोगों ने पहले तो हमको शिफ्ट कर दिया था वेद वेदांत में 12 तारीख को इमरजेंसी में आए, कहने आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। सामान रख दिया मैंने, पहली रात तो मैं नहीं जा पाया था, कहीं चला गया था। बाकी डेली मैं जाता था सोने के लिए, रात को जाता था तो वो क्लासरूम में मुझे कमरे दिया था वेद वेदांत में। 16 तारीख को उनका फोन आता है कि आप अपना सामान हटाइए यहाँ से, तो कहें ऑफिस में रख लीजिए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने वॉइस रिकॉर्ड भी कर रखा, वीडियो भी बना रखा लाते समय, और कहते हैं कि आप सामान ऑफिस में रख दीजिए भाई, जब मुझे शिफ्टी करना है और इस तरह आप मेरे साथ जो है सौतेलापन व्यवहार कर ही रहे हैं तो मैं अपने स्थान पे आके रहूँगा। कंडीशन आप नीचे आश्रम की देखिए, कभी भी गिर सकता है, मतलब मैं फिर आके यहीं रहा, मतलब आज मैं सामान यहाँ रख रहा हूँ। और पहले भी मीडिया ही, उनको भी मैंने बताया था कि ये ऐसी ऐसी स्थिति हो रही है। फिर उसके बाद रात को मेरे पास में, नाम तो मैं नहीं जानता अधिकारियों का, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपने मीडिया में ऐसा क्यों कहा, भाई किसको कहें, हम कौन है हमारी सुनने वाला, ना शासन सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है। जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ है उनको तो 5,000 रुपये तक तुरंत ही रात को दिया गया है वहाँ पर, और उनको भुगतान भी और उनको पैसा मिला, हमको तो कोई पूछने नहीं आया। 15 तारीख को नियुक्ति हुई है जबकि हम 1 तारीख से परेशान हैं, बैठे हुए हैं, उसमें भी उन्होंने लिखा असुरक्षित हैं आप। जोशीमठ में आई इस आपदा ने न केवल लोगों के ऊपर से छत हटाई है बल्कि लोगों की आजीविका भी छीन ली है जोशीमठ में रहने वाले लोगों के घरों में दरारें आई तो लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर भेजा, लेकिन घरों के साथ ही लोगों की खेती बाड़ी भी छूट गई है। आपदा ने लोगों को खेती करने लायक भी नहीं छोड़ा है। जो ये दरार आप कैमरों में देख रहे हैं ये घर की नहीं बल्कि उन खेतों की है, जिन खेतों की रोटी खाकर, चावल खाकर यहाँ के लोग बड़े हुए हैं। ये जोशीमठ का वही एरिया है जहाँ कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा दरारें हैं और इन लोगों को विस्थापित भी कर दिया है। लेकिन घर तो टूटे लेकिन उनका रोज़गार भी छिन गया, उनकी खेती भी छिन गई जिसके भरोसे वो रहते थे। आप देख सकते हैं ये किसी मकान के साथ का खेत है और खेत में क्या स्थिति है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र की क्या स्थिति होगी। खेत के बीच में इतनी बड़ी दरार है कि शायद मैं इसमें पूरा समा जाऊं। आप देख सकते हैं ये मेरा पूरा पैर इसके अंदर चला गया है और नीचे गीली मिट्टी नज़र आ रही है। ऊपर ज़रूर ये कहा जा सकता है कि सूखा है लेकिन नीचे गीली मिट्टी है। इस पूरे दरार के बीच में मैं जा सकता हूं तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहां के जो लोग हैं वो किस स्थिति में जोशीमठ में रह रहे होंगे। जोशीमठ में आई इस आपदा से लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन श्रृंगार क्षेत्र में रहने वाले विनय उनियाल रोजाना अपने घर में आते हैं, अपने खेतों में आते हैं और मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। उन्हें दुख इस बात का भी है कि उनके माता पिता ने बड़ी मेहनत से ये घर बनाया था लेकिन आज उनका घर आपदा की भेंट चढ़ गया है। उनियाल जी, आपका घर भी अब यहाँ से ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से आप लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है नहीं है? अभी तो फिलहाल अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो फिलहाल 5,000 का चेक दिया है और अभी तो जो 1.5 लाख की राशि बताई जा रही है देनी है, अभी तो फिलहाल तो अभी आई है नहीं, देखो आगे कब आए, कब तक आएगी ये पता नहीं है। और सरकार अभी तक इसमें बोल रही है कि हम काम कर रहे हैं, देखो क्या करती है आगे, और जो भी उससे होगा वो अपनी वो करेगी। और हमारा तो पूरा मकान ही टूट चुका है और खेतों में इतनी बड़ी बड़ी दरार पड़ी है और सरकार ने, प्रशासन ने हमको कह दिया है कि आप लोग यहाँ से विस्थापित होकर दूसरी जगह जा शिफ्ट कर सकते हो। अभी तक शिफ्ट तो कर दिया है फिलहाल अभी, पर अभी तक यहाँ से अब जो मुआवजे की बात है वो अब सरकार तय करेगी, जो भी होगा अब आगे देखा जाए।
दुख कितना हो रहा है? आपका पैतृक घर है, खेती है, सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। दुख तो है, अब ज़्यादा तो हम तो चलो कोई बात नहीं, जिसने मेहनत से अपना बनाया है मम्मी पापा लोगों ने उनको तो ज़्यादा दुख होगा, हम तो चलो बाहर नौकरी कर सकते हैं जो भी करना चाहे, तो उनको तो ज़्यादा दुख होगा, उन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत से बनाया है तो उनको तो ज़्यादा दुख है, और हमको भी थोड़ा बहुत तो हमको भी है कि मकान पूरा टूट चुका है, यहीं से हमारी बचपन हमने यहीं बिताया है और यही हमारा जन्म हुआ है, तो दुख तो होगा। श्रृंगार क्षेत्र में हमारी मुलाकात रेनू बिष्ट से भी हुई जो कि अपने घर की मुखिया है, पर वो आज मजबूर है कि आखिरकार वो जाए तो जाए कहाँ। बड़ी मेहनत से घर बनाया था जो अब उजड़ रहा है, लेकिन रेनू बिष्ट आज भी अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, प्रशासन ने उन्हें घर खाली करने के लिए कह दिया है। रेनू बिष्ट जी, आप भी इसी क्षेत्र में है, आपका घर भी ये कहा जा सकता है कि टूटने की कगार में है, बड़े बड़े दरारें हैं, कितनी उम्मीदें थी सरकार से? सरकार से बहुत उम्मीदें थी, मैं एक असहाय औरत हूँ, पति भी नहीं है मेरे, पूरी मकान धस गई है, कोई सहायता नहीं मिली अभी तक, तो ऐसे ही बैठे हैं, हमें कुछ नहीं, हमारा छत सर में छत हो जाए, हमें मकान मिल जाए, जगह की जगह जगह मिल जाए, हम यही चाहते हैं सरकार से, उम्मीद भी लगा रखी है कि शायद सरकार हमारी मदद करे कुछ, तो यही उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप भी अपनी सरकार से उम्मीदें कर रहे हैं, लेकिन जब स्थिति ऐसी बन गई है कि ये क्षेत्र आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं घरों में बड़ी बड़ी दरारें हैं, स्थिति रहने लायक नहीं है, तो क्या अब क्यों आप अपना मकान अभी तक नहीं छोड़ रहे, क्यों नहीं जाना चाहते? कहाँ जाए हम, कहाँ जाए मकान छोड़ के, कहाँ जाए, जब सरकार हमें अच्छी जगह देगा, व्यवस्थित करेगा, तभी हम जा सकते हैं, नहीं तो हम अपने मकान नहीं छोड़ सकेंगे, कहाँ जाए, रोड पे थोड़े बैठेंगे हम, कहाँ जाए हम रोड पे नहीं बैठ सकते, हमें छत चाहिए, हमें जगह चाहिए, तभी जाएंगे हम, तब तक जब तक सरकार हमें व्यवस्थित नहीं करती हम नहीं जाएंगे। प्रशासन की तरफ से कोई आया? अभी तो आते रहते देख के गए हैं, पर अभी कुछ हुआ नहीं, कुछ भी मुआवजे की बात हुई ना कुछ, अभी कुछ नहीं मिला, तो 1.5 लाख से क्या हो जाएगा हमारा, कुछ भी नहीं होगा, ये 1.5 लाख से तो हमें कुछ क्या होगा, आज के डेट में एक किचन क्या, एक लैट्रिन बाथरूम नहीं बन पा रहा, हम क्या करेंगे 1.5 लाख, हमें हमारा मकान चाहिए, हमें जगह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सरकार से यही उम्मीद लगा रखी हमने कि हमें हमारा मकान हमारी जगह दिया, हमें इसी जोशीमठ में रहना है, हमें बाहर नहीं जाना है, हमें जोशीमठी में रहना है। जोशीमठ में आई आपदा से लोगों को जरूर अपने पैतृक घर को छोड़ना पड़ रहा है, पर वहां के लोगों की मांग है कि उन्हें कम से कम रहने के लिए सरकार की तरफ से छत तो दी जाए ताकि भविष्य में उनके बच्चों को बिना छत के न रहना पड़े। हमारी मांग है कि हमको घर के बदले घर चाहिए, गाय के बदला गाय चाहिए, गौशाला के बदला गौशाला चाहिए, जमीन के बदला जमीन चाहिए, जितना हमारे पास था, अब हम किसी और जगह जाएंगे, हमारा कोई व्यवसाय नहीं है, हम गरीब आदमी, ना हमारे परिवार से कोई नौकरी वाला है, तो हम लोग खाएंगे क्या, सबसे पहले तो हमारी ये बात है, तो कब तक हम होटलों में रहेंगे, होटलों में देखो वहाँ जा रहे हर दिन एक ही खाना बन रहा है, एक ही खाना खाएगा इंसान, समय समय बहुत बुरी समय से हमारी, एकदम ने घर छोड़ दिया, होटल में रह रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, समय से ठंड में बैठ रखे हम यहाँ जमीन में, ये ठंड से हालत खराब, ऐसे भी मरेंगे वैसे भी मरेंगे हम लोग, ठीक है, गरीब गुरबों की कोई नहीं पूछे, क्योंकि हम हमारे घर है रोड से थोड़ा नीचे, वहाँ आने के लिए कोई राजी नहीं होते, जिसको चाहिए रोड चाहिए है, बच्चे भी रोजगार है मेरे, एक लड़का मेरे मशीन चलाता है डोजर, वहाँ भी रास्ता बनकर आ गया, अब कहाँ से रोजगार होगी बच्चों के पास, आप ही बताओ, गरीब आदमी है यो, नहीं हम कि कोई नौकरी चाकरी वाले होंगे, वहाँ से हमारा पतन का पानी आएगी, जब बच्चे मजदूरी करेंगे तभी पैसा आएगा। स्कूल ने बच्चे स्कूल वाले हैं, कल मैडम का फोन आ रखा था, तुम्हारे बच्चे का पेपर होने वाले, कहाँ से ये हम होटल में है रोड में है, कहाँ जाएंगे बच्चे पेपर देने, घर में रहेंगे तो बच्चे पेपर देने जाएंगे, अब बच्चों की बहुत से खराब नहीं हो जाएंगे है, बच्चा आगे बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा, हम खुद ही हम बर्बाद हो गए, कहाँ स्कूल कहाँ खुलेगा, खुद ही हम होटल में है, बच्चा वहाँ से जाएंगे। कितने दिन से आप यहाँ? हम 3 तारीख से यहीं पे हैं, अभी तक कुछ नहीं किसी ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बड़े बड़े लोग अपनी मन मर्जी कर रहे, हम छोटे लोगों को कौन पूछेगा, ऐसे ही हम ठंड में बैठे हैं, बीमार हो जाएगा कौन देखेगा, पहले ही इतनी बड़ी समस्या आ रखी सामने, बच्चे ऐसे घर में छोड़ रखे, गाय वैसे भूखी छोड़ रखी, जिसको देखना है जो जिसकी पावर होगी उसी को देखते हैं, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान भी उसका साथ नहीं देता। आसमान के नीचे अपना आशियाना दबा देने वाली आपदा, प्रभावित महिलाएं रोजाना जोशीमठ के तहसील परिसर में बैठी रहती हैं और उम्मीद करती हैं कि शायद प्रशासन और सरकार के कानों तक उनके दर्द से भरी आवाज पहुंचे
और शायद वो उनके लिए एक नया आशियाना बनाकर दें। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ ये महिलाएं रोजाना तहसील भवन के परिसर में बैठी रहती हैं। जोशीमठ शहर के हाल हमने आपको दिखाए, लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो शायद बताएगी कि जोशीमठ में लोग कितने परेशान हैं। ये तहसील है और तहसील भवन में आप देख सकते हैं जोशीमठ के तमाम वो महिलाएं यहाँ धरने पर बैठी हैं, सरकार और प्रशासन से अपील कर रही हैं कि शायद उनको एक बेहतर व्यवस्था दी जाए, एक बेहतर जगह दी जाए, उनके छतों पर उनको छत दी जाए ताकि वो सुरक्षित अपने घरों में रह सकें, उनके बच्चे स्कूल जा सकें। और इसी वजह से ये जो घर की महिलाएं हैं जो रोज़ाना अपने घरों में काम करती थी, लकड़ियां लेने जाती थी, गायों का लालन पोषण करती थी, वो आज सड़कों पर मौजूद है। उनसे ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किन समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा है और इन समस्याओं से जूझने के साथ साथ क्या प्रशासन उनकी बातें भी सुन रहा है। मैम, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए, आप कितने दिनों से यहाँ बैठी हुई? हम 3 तारीख से बैठ रखा है यहाँ। कोई प्रशासन का व्यक्ति आपसे मिलने आया? नहीं, हमसे नहीं आया, हम तो यहीं धरन में बैठ रखा, सब माते बहनों यहीं बैठ रखा, अब यहीं सड़क पर है। बस क्या करना, हम गरीब आदमी में पैसा वाले रहते तो हम बाहर जाते, मकान हम इसी जोशीमठ मरना और इसी जोशीमठ रहना। ये सरकार से ये विनती है कि हमारी मांगों पूरे करो। मदद की उम्मीद जरूर आप लोग सरकार से कर रहे हैं, लेकिन शायद इन लोगों को बेहतर जो मदद मिलनी चाहिए थी सरकार की तरफ से वो नहीं मिल रही है। मैम, आप बताइए कि क्या आप लोग चाहते हैं? सर, यहाँ पे हमको 13 दिन धरने पे बैठे हुए हो गए, आप देख रहे हैं सारी महिलाएं, आप जानते हैं महिलाओं की कितनी ज़रूरत होती है, सारा घर का काम करती हैं, सब कुछ करती हैं, बच्चों को देखती हैं, तो हम लोग आजकल एक ट्रॉमा में है। ट्रॉमा ये है कि हम मेंटली बहुत सिक हो चुके हैं कि हम 13 दिन से कब तक यहाँ बैठेंगे। आप जानते हैं ये ठंड का इलाका है, बर्फबारी की फॉरकास्ट हो गई है, कभी बर्फ़ गिरेगी। लेकिन हम लोग आपस में जो डिस्कस कर रहे थे कि सरकार क्या चाहती है, कब तक बैठे रहे हम यहाँ पे, हमारी डिमांड ये है कि हमको यहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, हमको अपने जोशीमठ में रहना है। सरकार क्लियर करे कि जोशीमठ में कितने वार्ड डेंजर जोन में हैं, वहाँ ना बसाएं, लेकिन जो सेफ जोन है वहाँ हमें बसाएं। और मैं सरकार से विनती करती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी डिमांड पूरी करें। मैं तो अब ये चाहती हूँ कि जब हमारी सरकार ने नहीं किया, हमारी राज्य सरकार ने, तो वो केंद्र सरकार से मदद ले और हमारी रेस्क्यू करे, हमें उचित मुआवजा दे, हमें हमारा छत दे। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, हम लोग पहले ही कहते थे कि आप कैसे हो, लेकिन हमारा सवाल अब क्या हो गया पता है कि दरारें कितनी बढ़ गई हैं, इतनी दहशत हमारे दिल में है। तो मैं एक ही अपील करती हूँ, मोदी जी मतलब कहते हैं कि उत्तराखंड से उनको लगाव है, बहुत प्यार है, तो मैं कहती हूँ अपना लगाव अब दिखाइए आप, कि एक शहर, सांस्कृतिक शहर, ऐतिहासिक शहर डूब रहा है। आपने भी सुना होगा कत्यूरियों की राजधानी रहा है, शंकराचार्य यहाँ पे हैं, इतनी श्रद्धा से लोग यहाँ आते हैं, बद्रीनाथ यहाँ हैं, फिर भी क्या उसकी इतनी मतलब उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? क्या केंद्र सरकार, क्या राज्य सरकार क्यों हमें इतना उपेक्षित यहाँ पे करवा रही है? तो मैं यही विनती और अपील करती हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारी आवाज़ सुने। ये जितनी भी महिलाएं बैठी ना, घर में कितना काम छूटा हुआ है, लेकिन क्यों यहाँ पे बैठी है कि आंदोलन हमारी ताकत है। जिस दिन हम यहाँ से उठ जाएंगे ना, हम अनाथ छोड़ दिए जाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि हमारी सरकार सुने और हमें उचित, हमारा जो भी वो उनका बन रहा है, हमें मतलब घर दें या हमें नौकरी दें। अभी हमारे बच्चों का स्कूल खुलेगा, मतलब क्या कैसे क्या करेंगे हम? टूटा, आपको भेजा गया सरकार की तरफ से सुरक्षित स्थान पर? अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं है, वह हम यहाँ धरने में बैठे हैं। बेरोजगार भी, हमारा जो रोजगार था बच्चों का, वो भी बंद किया गया है। और सरकार बोल रही है कि यहाँ से वहाँ भेजे, वहाँ से, हम तो कहीं नहीं जाएंगे। 1 लाख में हम क्या करेंगे, या हम अपने वो भी देखेंगे, या बच्चे भी पालेंगे, या हम अपना मकान बनाएंगे? हमारी तो गाय है, भैंस है, उनको लेके हम कहाँ जाएंगे? 1 लाख में हमारा पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। सब गरीब हैं यहाँ, कोई ऐसा नहीं है कि जो कि इतने लखपति करोड़पति होंगे। अपना लकड़ी घास बेच के अपना हम लोग अपना जीवन पार करते हैं, बच्चे लोग हैं पत्थर फोड़ के अपना जीवन पार करते हैं। क्या सरकार हमें 1-1.5 लाख में हमारा पूरा व्यवस्था करा देगी? कभी नहीं होगा भैया ऐसा। सब परेशान हैं, घर में जाते हैं रोते हैं, शाम को थोड़ा भी हवा होती है बाहर निकलते हैं। आजकल ठंड से बुखार तक आने लग गए हमको, इतनी महिला बैठे हैं यहाँ पे, इतने ठंड में बैठे हैं, बुखार तक आता है शाम के लिए, हैं शाम को तक बुखार आते हैं यहाँ से जब हम घर जाते हैं। घर में भी समस्याएं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। घर में भी जैसे हवा होगा, बारिश होगी तो बाहर निकल जाते हैं हम कि अभी टूटता है कि क्या होता है। 1-2 घंटे हम बाहर ही खड़े रहते, आजकल भालू भी लग गया हमारी किस्मत से, वो भी परेशानी में वैसे ही में आते हैं। कभी बिजली नहीं रहती, अंधेरे में बाहर निकलते हैं।
सरकार भी, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। अभी भी कह रहे हैं कि रुको रुको, और जब जोशीमठ की जनता में जब लाश के कफन जाएंगे ना, तभी सरकार यहाँ आएगी, वैसे पहले नहीं आएगी। दर्द बहुत ज़्यादा है, महिलाएं बहुत नाराज़ हैं, और यही वजह है कि तमाम जो महिलाएं हैं वो अलग अलग जगह से अलग अलग समस्याएं बता रही हैं। मैम, आप भी बैठे हैं, काफ़ी दिन धरने प्रदर्शन को हो गए हैं, आपसे मिलने कोई आया, आपकी समस्या सुध लेने कोई पहुंचा? अब समस्या तो देखिए, प्रशासन तो खैर आ ही रही है, मतलब गली गली में तो आ रहे हैं, लेकिन आके चले जा रहे हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं ना। जो है कि हमारे वहाँ वार्ड नंबर 4 में बहुत ज़्यादा क्षति हो रखा है, पूरे रोड धस रहे हैं, जो है कि मकान है, मकान तो खैर किसी किसी का तो टूट ही गया है, और जो है कि रोड भी जाने वाला है, मतलब सट के जो है 3 मकान हैं, आगे से जाएगा तो हम भी चले जाएंगे, ऊपर से भी आएगा तो हमें ही खतरा है, तो क्या करेंगे। देखो, लोगों के बच्चे हैं, हाई स्कूल के पेपर देने हैं उन्होंने, अब उनका जो है कि आजकल एक्स्ट्रा क्लास चल रहा था, आजकल बंद हो गया, वो भी बंद हो गया, क्या करेंगे, कौन पढ़ाएगा बच्चों को, मार्च में तो पेपर होने वाले हैं, हैं, हम करें तो करें क्या, कहाँ जाएंगे बच्चे, जो हमारे बाहर पढ़ने वाले थे वो भी घर आ गए, अब जो है कि घर में इतना संकट है तो कुछ भी हो सकता है ना, बच्चे तो ये मरेंगे तो साथ, जिएंगे तो साथ वाली बात हो गई ना, अब घर छोड़ के जाएं भी कहाँ, हम कहाँ जाएंगे, हम घर छोड़ के, सामान दुनिया भर के पड़े हैं, अगर हमको शिफ्ट किया जाता है तो एक कमरे में तो गुजर बसर नहीं होगा ना, कहाँ रहेंगे, जो है कि पूरे पर बड़ा परिवार है तो कहाँ लड़का रहेगा, कहाँ बहू रहेंगे, कहाँ हम रहेंगे, कहाँ क्या करेंगे, इसलिए अपने ही घर में जो होगा देखी जाएगी। लेकिन मैं यही सरकार से कहना चाहूँगी, एक नया जोशीमठ बसा दो, जो पूरा विश्व में, ये विश्व धरोहर तो है ही है यहाँ जोशीमठ, जो है कि सब जाने की, मतलब जोशीमठ के नाम से जो है कि ये हमारा सिंहधार है, ये जोशीमठ, ये ज्योतिर्मठ है, ये नरसिंह मंदिर है, ये मारवाड़ी है, ये सुनील है, ये परसारी है, रविग्राम है, कहाँ बहुत सारे नाम हैं, इतना तो नाम बताते बताते तो आप टाइम लग जाएगा ज़्यादा, मतलब परेशान बहुत है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जोशीमठ के तहसील में बैठी हुई महिलाओं का दर्द कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि राज्य सरकार तक पहुंचे, और जो सरकार है वो ज़रूर इनकी सुध ले, क्योंकि इनके घरों जो घर थे वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से ज़रूर इनको किसी स्थान पर बिठाया जा रहा है, रात में सुलाया जा रहा है, खाना भी दिया जा रहा है, लेकिन लोगों की मांग है कि अपनी छत उनको ज़रूर चाहिए, ऐसी जगह जोशीमठ को बसाया जाए जहाँ पर वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाए, जहाँ पर वो रोज़गार कर पाए, और जहाँ पर फिर एक बार वो खिलखिलाते हुए हंसते हुए अपने गांव में रह सके, यानी कि उनके घरों में वो बेहतर छत भी हो, जिसकी वो चाह के साथ इस धरना प्रदर्शन को लेकर लगातार ये बात कह रहे हैं कि राज्य सरकार उनकी बात सुने। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने दिखाया कि जोशीमठ की क्या है सच्चाई। जोशीमठ से लोगों को अब निकाला जा रहा है ताकि किसी की जान माल का नुकसान ना हो, लेकिन भूस्खलन की स्थिति को लेकर कोई भी काम नहीं किया जा रहा, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जोशीमठ का इस संकट गहराता जाएगा और मुमकिन है कि जोशीमठ के एक हिस्से को गंवाना पड़ जाए। हमने ग्राउंड जीरो पर आकर देखा कि सच में जोशीमठ में कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे होटल्स हैं जिनमें बड़ी बड़ी दरारें हैं, लेकिन यहाँ के लोग भी अब मजबूर हैं कि उनको कोई सुरक्षित स्थान दिया जाए। अब उनकी उम्मीद केवल राज्य सरकार से है कि राज्य सरकार उनकी सुध लेगी और एक बार फिर एक नया जोशीमठ बसाएगी, जहां वो एक बार फिर से रोज़गार कर पाएंगे, बेहतर शिक्षा ले पाएंगे और खुशी से रहना चाहेंगे। ऐसे ही अगले कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे कि और कौन से ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों में ऐसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।